अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शफी इमरान और हम बात कर रहे हैं नवाब हिस्ट्री टीम के ज़रिए। तो आज हम कुतुब मीनार के इहाते में यहाँ पे एक मस्जिद मौजूद है जो 500 साल से भी ज़्यादा कदीम मस्जिद है। इस मस्जिद को इसहाक खान मुग़ल बादशाहों के ज़माने के दौरे में इसहाक खान नामक एक शख्स ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी, इस मस्जिद को बनवाया है। यहाँ के मौलाना का कहना है कि इस मस्जिद को 50 या 60 साल से आबाद है। इस मस्जिद को 19वीं सदी में ब्रिटिश के एक आर्किटेक्चर ने इस मस्जिद को कंजर्व किया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को नमाज और अजान भी यहाँ पे जारी है। और जब आप भी इस मस्जिद यानी कुतुब मीनार को दौरे के लिए आए हैं तो ज़्यारत इस मस्जिद की भी ज़रूर करें, क्योंकि इस मस्जिद में मौलाना का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह के जो दौरे हुकूमत में थे वो लोग अभी यहाँ पे नमाज अदा की हैं, क्योंकि यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो एक बहुत बड़ी मस्जिद है। उसी के इहाते में मुग़ल बादशाहों के दौरे हुकूमत के बाद उसी के इहाते में यह मस्जिद को बनवाया गया है। तो उसके तारीखी एतबार से देखेंगे तो ये सारा यहाँ का ज़मीन जो है वो मुक़द्दस ज़मीन है, क्योंकि इस कुव्वतुल इस्लाम यहाँ का कह जाता है कि दिल्ली की पहली मस्जिद है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं ज़मीन इमाम ज़मीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे बहुत पुरानी और कदीम मदरसे की इंतज़ाम की है यानी बुनियाद रखी है। तो उस मुक़द्दस इहाते के अंदर इस मस्जिद का आप जब भी एंट्रेंस में कुतुब मीनार देखने के लिए आए हैं तो बाजू में आपको मस्जिद है, इस मस्जिद की ज़रूर आप इंशाअल्लाह ज़्यारत करें। अस्सलामु अलैकुम।